स्वागत करती हूं आपका एम फॉर यू न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ अंशु। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरफ्तार होने के बाद उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर विकास दुबे पकड़े जाने पर पुलिस को धमकियां दे रहा था। बोला कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। पकड़े जाने पर भी नहीं था उसे किसी भी प्रकार का कोई डर। अपने आप का परिचय बार बार देता रहा कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। जब इस मामले की पूरी जानकारी के लिए एम4यू न्यूज के मंडल प्रभारी विकास बिदुआ ने पुलिस अधिकारियों से बात की तो बताया गया कि विकास दुबे को जिस गाड़ी में बैठा कर लाया जा रहा था वो पलट गई और गाड़ी पलटने पर उसने पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की और भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। कानपुर के टोल प्लाजा से गुजरने के कुछ देर बाद ये हादसा हुआ है। दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। एनकाउंटर के बाद विकास दुबे को कानपुर के हेलिट अस्पताल ले जाया गया और वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूत्रा ने बताया कि विकास दुबे की मौत हो चुकी है। इससे पहले पुलिस ने गुरुवार शाम को उसकी पत्नी और बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार पत्नी रीचा और बेटे को पुलिस ने लखनऊ के कृष्णानगर इलाके से उठाया था और इन्हें पूछताछ के लिए किसी अज्ञात जगह पर ले गई है। इसके साथ ही विकास के नौकर और महेश को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार पुलिस विकास की पत्नी, बेटे व नौकर महेश को कानपुर ले जाने की तैयारी कर रही है। तीनों से एसटीएफ पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि रीचा विकास दुबे का समर्थन करके उसके अपराध में सहयोगी थी और यहां तक कि वह उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराती थी। वह घटना के बाद से लापता हो गई थी। कानपुर से मंडल ब्यूरो विकास बिदुआ की खास रिपोर्ट। इसमें विकास दुबे घायल हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया। यहाँ इसी गाड़ी में जवान भी घायल हुए हैं और हमारे जो कुछ सिविल पुलिस के लोग भी थे, दो तीन लोग हैं। आईजी साहब को हमने वहाँ भेजा हुआ है और जो घायल उनको ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं वहाँ व्यवस्था देखेंगे। सर कितनी गाड़ी पलटने के बाद गोलियां लगी है? अभी ये विवरण देते हैं, अभी हम अस्पताल पहुँच करके विवरण लेकर के सर। क्या गाड़ी पलटने के बाद उसने किसी पिस्टल छीनी है या पहले पिस्टल छीनी है? हम लोग मौजूद है, एक घटनास्थल नहीं, गाड़ी दुर्घटना। सर पिस्टल छीनने की क्या बात है, कितने बजे कैसे उसने पिस्टल छीनी है, क्या हुआ है? पचौड़ी साहब हैं जैसे उनकी सांस में आ रहे थे और उनकी पिस्टल छीन करके जाते हैं। जैसे बताया गाड़ी पलटी है जाते हैं तो उसका फायदा उठा कर वो पिस्टल छीन करके जाते हैं। पहले पिस्टल छीनी की पहले गाड़ी पलटी? गाड़ी पलटी है, यहाँ पर हमारे लोग हैं, मौजूद हैं। सर उनको क्या एसटीएफ के सर कोई बात नहीं, आप करीब आइए। एसटीएफ के सर थोड़ा करीब आ जाइए। कोई बात नहीं सर, आप जाइए, जनाब सर लाइव जाइए। सर हम लोग भी अपना काम, हम लोग अपना काम करें। बोलिए कितने सही लोगों को गोली लगी है, ये सब जानकारी देते हैं। अभी प्राप्त की जा रही है कि एक लोग अस्पताल गए हुए हैं, वहाँ पर आईजी साहब गए हुए हैं और जैसे जानकारी मिलती है कि बारिश भी हो रही आती है, विस्तृत विवरण जरा हम प्राप्त होते हैं, पूरा विवरण आपको देंगे। सर कौन सा अस्पताल नाम आपको बता दें? सर कौन सा अस्पताल छीन रखा था वो? पिस्टल तो यही इसी जगह पे एनकाउंटर हुआ ना सर? हाँ यही पर हुआ। ये यहाँ से कितनी दूर एनकाउंटर हुआ सर? ये लगभग 7 बजे करीब। कितनी दूर? अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूले, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।